जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत और वेस्ट इंडीज के बीच तीसरा टी ट्वेंटी ट्वेंटी मैच जो तमिलनाडु के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में होना है, इसके लिए असमंजस वाली स्थिति ये थी कि टीएनसीए ने बीसीसीए से बोला था कि जो पुराने नियम हैं वे उसी के मुताबिक ही चलेंगे। परंतु अब ये असमंजस वाली स्थिति स्पष्ट हो गई है और 11 नवम्बर को होने वाले भारत और वेस्ट इंडीज के बीच मैच की तैयारियां चालू हो गई है। आप सभी को बता दें कि पिछले मैच में कप्तान रहे रोहित शर्मा नाबाद 111 रनों की सहायता से भारत को 71 रनों से जीत दर्ज करवाई थी। उसी के साथ शिखर धवन, पंत और सभी खिलाड़ियों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया था और लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम जो खचाखच दर्शकों से भरा था, वेस्टइंडीज के विरुद्ध शानदार 71 रनों से जीत दर्ज कराकर दीपावली का लखनऊ निवासियों को एक बेहतरीन तोहफा दिया था। हम उम्मीद करते कि ऐसा ही प्रदर्शन हमारी टीम इंडिया चेन्नई के इस स्टेडियम में भी करेगी। देखिए खबर एसएस की एक रिपोर्ट।